पंजाब टुडे देख रहे हो तुसी, मैं डॉक्टर जिंदर सिंह। पंजाब दे मौजूदा कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगुवाई वाली सरकार ने अपने कार्यकाल दा अज आखिरी बजट पेश कर दिता है। पंजाब दे वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने अज पंजाब विधानसभा विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगुवाई वाली सरकार दा अपना सालाना बजट पेश किया है, जिस विच कई अहम ऐलान किए गए हैं। 2022 दे विधानसभा चोणां नूं लै के कई वर्गां नूं कई राहतां भी दित्तियां गईआं हन। वैसे तो इस बजट विच होर भी कई विशेषतावां हन जिस विच काफ़ी समा लग सकता है, पर मैं तुहानू कुछ चुनिंदा गल्लां ही दसना चाहवांगा जो कि तुहाडे नाल संबंधित हन अते जिसका सीधा सीधा आम वर्ग ते वड्डा असर पैन जा रहा है। अते कई सहूलतां अजिहियां हन जिस नाल लोकां नूं कई राहत भी मिली है, जिवें कि बुढ़ापा पेंशन हुण 750 रुपये तो वधा के 1500 रुपये कर दिती गई है। जेकर गल आशीर्वाद स्कीम की की जाए तो आशीर्वाद स्कीम तहत मिलने वाली राशि हुण 21,000 तो वधा के 51,000 रुपये कर दिता गया है। सरकारी बसा च औरतों हुण बिल्कुल मुफ्त सफर की सहूलत दे दिती गई है, यानी कि तुसी जेकर PRTC या पंजाब रोडवेज की बस में कोई औरत सफर करती है तो हुण बिल्कुल मुफ्त कर दिता गया है। पंजाब विच इह स्कीम शुरू कर दिती गई है। सूबे च 650 करोड़ रुपये की लागत नाल हुण कपूरथला ते हुशियारपुर के नवे मैडिकल कॉलेजों ते हस्पतालों का ऐलान किया गया है। मल्लापुर च टाटा मेमोरियल हस्पतालों की इकाई नूं 450 करोड़ रुपये की लागत नाल पूरा किया जाएगा। इस तों इलावा 8 नवे जच्चा बच्चा ते बाल सेहत विंग भी बनाए जाएंगे। सरकारी मैडिकल कॉलेज अमृतसर ते मोहाली के नैचुरल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी च वायरोलॉजी केंद्रां की स्थापना की जाएगी। इस तों इलावा पटियाला च सरकारी मैडिकल कॉलेज की अपग्रेडेशन लई भी 92 करोड़ रुपये खर्चे जाएंगे। तां दस दिए कि बजट अजिहे मौके पेश किया जा रहा है जदों पंजाब सोशल सैक्टर च प्रति व्यक्ति खर्चे की कसौटी से सब तो हेठले प्रमुख राज्यों तो चौथे स्थान पर है। अगले साल दीआं विधानसभा चोणां नूं ध्यान च रख के ही अज मौजूदा पंजाब सरकार ने वड्डे अहम ऐलान किए हैं। असीं अज उस हैसियत ते औकात दे विच आ गए हैं कि पंजाब जिहड़ा एक बार फिर ये अपने आप नूं एज अ बैटर परफॉर्मिंग स्टेट का दावा एक बार फिर पेश कर सकता है। असीं अजमायश की दलदल चों निकल चुके हैं और लिहाजा स्पीकर साहब मेरा यह खुशनुमा फर्ज है, मैं थोड़ी मार्फत पंजाब के लोगों को कहां कि कैप्टन साहब का यह फैसला है कि जिहड़ी बुढ़ापा पेंशन है जिहड़ी कि 750 रुपया फी महीना मिलती है और किधे नागा नहीं पैन दिता चार साल इनू असी वधा के 1500 रुपया जिहड़ा है ते करन जा रहे। स्पीकर साहब हुणे ही मता पेश होया अज क्योंकि इंटरनेशनल विमेन्स डे है और औरत जिहड़ी है हर रूप दे विच जो आदमी का रिश्ता है औरत नाल यह बड़ा खूबसूरत है, चाहे वह माँ की शकल च है, चाहे वह भैन की शकल च है, चाहे वह बेटी की शकल च है, चाहे वह बीवी की शकल च है, औरत नाल जिहड़ा रिश्ता है यह बड़ा खूबसूरत है। और मैं अज इस मुकद्दस ते मुबारक दिहाड़े ते मैं पंजाब सरकार वल्लों और कैप्टन साहब की क्यादत दे विच मैं ये थोनू ये इतला करूँगा कि जो शगन स्कीम आशीर्वाद स्कीम जो 21,000 ते चल रही सी और 11 तो 21 भी कांग्रेस पार्टी ने कीती सी उहनू 51,000 ते लिआउण दा इह सरकार दा फैसला। स्पीकर साहब ये भी सरकार का फैसला है कि और हुणे ओपोजिशन बेंचेस तो यह गल एक कोई थोड़ी बहुत इस गल की उन्होंने खदशा जाहिर किया कि औरत नू बस दे विच सफर करन दा जो 50% इन्होंने जनाब ने यह फरमाया और इन्होंने मुतालबा किया। कांग्रेस पार्टी का यह अजम है और अज की इतला है कि पंजाब के सरकारी बसा दे विच खाओ पंजाब रोडवेज चाहे वह PRTC है औरत जिहड़ी है पंजाब दे विच मुफ्त सफर करू। और स्पीकर साहब मैं थोड़ी मार्फत मैं और ए स्पीकर साहब इस हाउस दे विच ए भी मुतालबा किया गया सी कि बाबा साहब धन्नवाद कर लैंदे हो अरुणा जी थैंक यू स्पीकर साहब। मैं FM साहब दी दिलों तय दिल तो बहुत शुक्रगुजार हाँ कि ये जड़ा और मुख्यमंत्री साहब जी दी भी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी दे उन्हां दीआं लीहां तो कायम रखते हुए जो वायदे असी कीते सी वह भी पूरा करन दे लीहां ते चल के औरतां सारिआं लई जड़ा बसां दा किराया है वह खत्म कर दिता है
सो इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद और नाल ही नाल जड़ा के आशीर्वाद स्कीम भी इन्होंने 21,000 तो वधा के 51,000 कर दिती गई है और इहदे नाल एक होर बहुत बड़ा तोहफा जड़ा के इन्होंने औरतों नूं अपने दिता है सारे ओल्ड लोगों बुजुर्गों नूं वो है कि पेनशन जी है 750 तो वधा के डबल कर दिती है 1500 कर दिती है। मैं इन्हां दी बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ और मैं लगता अज इंटरनेशनल वीमन डे ते ये साडे लई एक बहुत बड़ा तोहफा है। बजट विच किसानी कर्जियां ते लीक ते मुफ्त बिजली सहूलत लई सबसिडी जारी रखण लई भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। वित्त मंत्री वालों पेश बजट विच किसानी कर्जियां ते लीक मारन ते मुफ्त बिजली सप्लाई दी सबसिडी दी व्यवस्था की गई है। 1.13 लाख किसानों के 1186 करोड़ रुपए के कर्जियां ते बेजमीने किसानों के 526 करोड़ रुपए के कर्जियां नूं मुआफ किया जाएगा। किसानों नूं मुफ्त बिजली सप्लाई मुहैया कराने लई भी बजट विच 7180 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि विधानसभा चोणां दे मद्देनज़र मौजूदा कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली सरकार ने अपने इस सालाना बजट विच काफ़ी कुछ सहूलतां देने की कोशिश की है, पर लोग इस बजट तो किन्ना खुश हुंदे हन ये आने वाला समा ही दसेगा।